नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज फ्लैश मकराना में। मैं हूं निहित जैन सिंह। भी बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बोरावर के तत्वाधान में बी के साक्षी व बी के अमृता दीदी ने स्वर्णकार मोहल्ला स्थित श्याम मंदिर में विश्व शांति और खुशहाली का ध्वजा लहराया। इस मौके पर महिलाओं को विश्व कल्याण के लिए घर परिवार में सत्संस्कार और खुशी, अमन, एकता और धर्म के प्रति आस्था और विश्वास की शपथ दिलाई। इस मौके पर अमृता दीदी ने परम पिता भगवान शंकर की अद्भुत महिमा पर प्रकाश डाला और सृष्टि के सुंदर सृजन का वर्णन करते हुए शांति और सुखमय जीवन जीने की कला और गुर महिलाओं को बताए, महिलाओं को परिवार और समाज के प्रति दायित्व का बोध कराया। इस दौरान मंगलाचरण और ईश्वर की महिमा का नृत्य के द्वारा मंचन कर धार्मिक आस्थाओं को प्रेरित किया। नब्बे लाख के सोने के साथ एक स्वर्ण कार गिरफ्तार। मेड़ात निवासी बालकिशन पुत्र शिव गोपाल सोनी लगभग 2.25 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किए गए। आरोपी द्वारा पुलिस कार्रवाई के विरोध करने पर अलग अलग धाराओं में घिरे गिरफ्तारी पुलिस द्वारा गत रात्रि नाकाबंदी के दौरान पकड़ा गया व्यापारी को। व्यापारी के पास सोने के आवश्यक दस्तावेज नहीं होने पर पुलिस ने वाहन में सोने को जब्त कर दिए। आयकर विभाग को सूचना दी। वैश्य समाज कुचामन सिटी ने शहर के सेवाभावी चिकित्सक दंपति डॉक्टर विजय कुमार एवं कल्पना गुप्ता के सुपुत्र डॉक्टर पुलकित गुप्ता की नीट पीजी 2020 में ऑल इंडिया स्तर पर 491वीं रैंक प्राप्त करने पर सम्मान किया। वैश्य समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम सुंदर मंत्री और स्थानीय अध्यक्ष राम काबरा आदि ने वैश्य समाज के होनहार डॉक्टर पुलकित गुप्ता का उनके घर पहुंचकर माला पहनाकर एवं सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। तथा डॉक्टर विजय कुमार एवं डॉक्टर कल्पना गुप्ता द्वारा पीड़ित व हितार्थ किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना करते हुए उनका अभिनंदन भी किया। कस्बे में नर्सरी के पास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को 10वीं व 8वीं के बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई। शाला के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय कुमार भार्गव ने बताया कि गुरुवार को प्रथम पारी में प्रातः 8:30 बजे से 11:15 बजे तक कक्षा 10वीं का पहला पर्चा अंग्रेजी का हुआ, जिससे मीठड़ी, ठंडा, खारियावास, कासिड़ा, बबली आदि ग्रामीण क्षेत्रों के 296 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। वहीं दूसरी पारी में कक्षा 8वीं के में कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से 183 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। 8वीं कक्षा का भी अंग्रेजी का पर्चा 4:00 बजे संपन्न हुआ। प्रश्न पत्र होने पर विद्यार्थियों ने शाला से बाहर निकलते समय एक दूसरे से बातचीत करते हुए प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करते हुए किसी ने पर्चा सरल बताया तो किसी ने हार्ड बताया। रोड रिको एरिया स्थित आबकारी थाना परिसर में लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की गई, जो सुबह 11 बजे शुरू हुई। इस दौरान सफल रहे आवेदकों के चेहरे खिले नजर आए तो असफल रहे मायूस दिखे। लॉटरी स्थल पर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ रही। यह भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकानों के लिए पहले लॉटरी निकाली गई, इसके बाद एक एक कर देशी शराब के मुहालों की लॉटरी निकाली गई। सामूहिक दुकान की पर्चियां डालने पर पहले उसमें शामिल आवेदकों के नाम बोले गए। दुकान खुलने के इंतजार में आवेदक देर तक जमे रहे। लॉटरी प्रक्रिया को लेकर आबकारी महकमे ने यह पुख्ता प्रबंध किए। पार्किंग में छाया पानी को लेकर भी व्यवस्थाएं माकूल रही। जिला आबकारी अधिकारी गैमराराम ने बताया कि लॉटरी जिला स्तरीय कमेटी की निगरानी में निकाली गई, जिससे जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विकास पाठक, ADM मनोज कुमार समेत अन्य कमेटी मेंबर व अधिकारी मौजूद रहे। और नाम है राजेंद्र सिंह। तीन हो गई या तीन रिजर्व आर नाम फिर आर टू की थी। आर टू फर्स्ट, यह लॉटरी क्रमांक संख्या 6 है और नाम है बिहारी लाल।
आर वन फर्स्ट आर टू है नौकरी क्रमांक संख्या 24 और नाम है नेमी चंद आर थ्री आर वन की थर्ड है लॉटरी क्रमांक संख्या 37 और नाम है संतु देवी छोटे से गांव शहीदपुरा के युवाओं ने शिक्षा व सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने हेतु भीम यूथ क्लब शहीदपुरा नामक संस्था का गठन किया। इस संस्था के तत्वाधान में गांव शहीदपुरा में निशुल्क ट्यूशन क्लासेस का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भंवरलाल जी चौधरी, उत्तम कुमार में घनश्याम में, प्रेम राज जी सैनी व ग्राम के सामने गणमान्य लोग व बच्चे उपस्थित रहे। उपरोक्त अतिथियों ने भीम यूथ क्लब ट्यूशन क्लासेस की सराहनीय पहल को देश के विकास में बड़ा कदम बताया। इस ट्यूशन क्लासेस के उद्घाटन में मुख्य सहयोग अध्यक्ष लक्ष्मण जी कामणिया, देवेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार रहे। उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा ही वह मुहाम है जिसे व्यक्ति जीवन सफल बना सकता है। ग्राम पंचायत बोरावड़ का चुनाव प्रचार प्रसन्न है। इस 10 प्रत्याशी सरपंच बनने के लिए चुनाव मैदान में है। यहाँ पर इस बार चुनावी माहौल की फिजा कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। पूर्व सरपंच भंवरलाल मेघवाल जो सीधे साधे और सरल स्वभाव के हैं, वह धार्मिक आस्था के व्यक्तित्व की धनी है और पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित समर्पति प्रत्याशी माने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर करोड़पति और राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली पूर्व विधायक की पत्नी गीता मेघवाल, जो कि पूर्व में कृषि मंडी अध्यक्ष रह चुकी हैं, चुनाव मैदान में खड़ी हैं। एक गरीब और एक करोड़पति से सीधा और मुकाबला होने की संभावना है। पूर्व सरपंच अपना प्रचार प्रसार पैदल घूम घूम कर घर घर दहलीज पर दस्तक देकर अपना चुनाव चिन्ह कैमरे के निशान पर मतदान करने की अपील कर रहे हैं और पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी देने के साथ विकास को निरंतर गति देने के लिए कर रहे हैं। अपने पक्ष में मतदान करने की बात सहज और विनम्र रूप से करके अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक राकेश मेघवाल की पत्नी गीता मेघवाल का चुनाव प्रसार परवान पर है। साधन संपन्न होने के कारण चुनाव प्रसार में चौपहिया वाहन को लेकर लवाजमा साथ ले है और लोक लुभावन भाषण से मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित के साथ व्यक्तिगत विरोधियों का एक समूह भी गीता मेघवाल को लेकर चुनाव प्रसार अभियान की कमान संभाले हुए हैं। उनका एक ही लक्ष्य है तख्ता पलट करना, भंवरलाल मेघवाल को हराकर अपनी लालसा को तृप्त करना। चुनाव प्रसार में विकास की बातें गौण और तख्ता पलट की चर्चा हर नुक्कड़ और गली में मीटिंगों में छाई रहती है। ए सब आपना कैंडिडेट है, आपना आदमी है। मैं तो खड़ागा तो कोई बात गोरी, मैं तो भगवान प्रार्थना करूंगा भगवान का जगह लोग है पहले से पूरी थी। अंदरा ताई ने रात ने 9 बजे खोली, मैंने तो एक बात बताओ, कोई ने 200 मिली, कोई ने 500 मिली, कोई 250 मिली, मैं जे में गाल गाली यार कहीं करी वे वोटा, मैं 9 बजे बाद में वोट कहीं काम आई तो आपने एक मुट्ठी बनोड़ी है, आप लोग गांव को आदमी है, आप लोग पिछड़े आदमी है, तो इन एक दिन सड़क मिल सकती है, देखो वोट काम आवे। सही है, मैं सब देते हूँ, क्या बोलता हूँ मैं रेगर भाई ने, क्या बोलता हूँ परिवार को समर्थन दिया है भंवरलाल जी पार्टी को, कैमरा पे वोट देके मुझे बना रामस्वरूप गोरा ने गांव के विकास को देखते हुए, गांव के आगे के विकास को देखते हुए जो निर्णय लिया उसके लिए हम उसके आभारी हैं। हेलो
चौकीदार समाज, चौकीदार समाज, चौकीदार समाज, गांव की एकता, गांव की एकता, हमारी एकता, हमारी एकता। सभी बोराड़ ग्रामवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सरपंच चुनाव लड़ रहा था मगर मुझे पद की लालसा नहीं है, मुझे पद की लालसा नहीं है, मुझे ओनली फॉर बोराड़ गांव में विकास चाहिए। मैंने अपनी इच्छा से समर्थन दिया। सभी भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। शांतिपूर्ण होली का त्यौहार मनाने के लिए सबको हार्दिक स्वागत। और भाई रामस्वरूप गोरा ने भवनलाल जी मेघवाल को समर्थन दिया, इसके लिए मैं रामस्वरूप गोरा का बहुत बहुत आभारी हूँ और रामस्वरूप गोरा को धन्यवाद देता हूँ। और भवनलाल जी मेघवाल बेलक नंबर 6 नामचिल कैमरा पर सभी ग्रामवासियों से अनुरोध करता हूँ। के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे गांव के जो पूर्व में विकास हुआ उसी श्रृंखला में सहयोग देने के लिए हमारे पोते समान भाई रामस्वरूप ने सहयोग प्रदान किया, उसके लिए मैं आशीर्वाद देता हूं और इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं माने कौन माने, तू पटियोड़ा है और सरल स्वभाव को आदमी है, धन धन मैं क्यों क्यों भाई साहब कहीं क्यों बताऊ, मैं क्यों कदम गलत है, आज गलत है, अब हमारी स्थिति का मायने आप लोग कदम सही करो। जिनके मन कार्य करना चीज है, समर्थन देना चीज मन ठा था वोट है, सारी मेहनत है, सारी भाग दौड़ है, उतर दे रहा हूँ भाग रही हो थार साथ, यंग जवान जरूर है, सब कुछ है थार साथ में, लेकिन आज थाने था की जरूरत मान्य है, आज थारी जरूरत मान्य है, तू समर्थन दे दे तेरा आप उम्मीदवार जीत जाए। है 5 रुपये कोई का मन में उली के रामस्वरूप की 5 रुपया कोई का पोस्टर का पीछा ही घोल लिया। क्यों नहीं भाई साहब की बोल दी लागा जगह लागा तो इन किया करे समर्थन देबो। और अब यो सवाल क्या माँ की नजर का माई रही को लड़को आप लोग क्यों मानियो, तो माओ जी से हुई मदद कौन किया के भाई बहु लाल लाल ना कौन करा धोखाबाजी कौन हुए, धोखेबाजी कौन हुए, मारो जी से मदद हुई, हमारी मदद हुई, वो हमारी बात मानी है, वो हमारी बात मानी है। और जनता के आवाज तो बढ़िया, को जनता का आवाज बढ़िया काम है, आपने पार्टी जी जनता। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश मकराना, नमस्कार।